फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद तुजैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहां पर इस एक्सरसाइज में जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं वो कुछ डिफरेंट फॉर्म में दी गई हैं। क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये जो वेरिएबल्स x एंड y हैं, ये न्यूमरेटर में ना होकर डिनोमिनेटर में दिए गए हैं। ओके, तो पहले इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये अभी लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, x को अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो x की पावर हो जाएगी -1। इसी तरह से y की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो लीनियर इक्वेशंस में जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax, अगर टू वेरिएबल्स यूज करें तो by plus c equals to 0। ये जो x की पावर और y की पावर है वो 1-1 होनी चाहिए। जितने भी वेरिएबल्स यूज किए जाएं सभी की पावर्स 1 होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री भी इक्वेशन की 1 ही रहनी चाहिए, तब हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो कितनी है? -1। ओके, तो पहले हमें इन वेरिएबल्स की जगह पर कुछ न्यू वेरिएबल्स यूज करने से ये जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना, यही इस एक्सरसाइज में सिखाया गया है। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन इक्वेशंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 1/2 × 1/x, 1/3 × 1/y = 2। सिमिलरली यहाँ पर 1/3 × 1/x, 1/2 × 1/y = 13/6। तो यहाँ अब हमने देखा कि ये जो वेरिएबल्स हैं 1/x एंड 1/y की फॉर्म में हैं, तो इनको हम a एंड b मान लेते हैं। a एंड b एक न्यू वेरिएबल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, लेट 1/x = a एंड 1/y = b। a एंड b ये न्यू वेरिएबल्स हैं, इनकी फॉर्म में अब हम इन इक्वेशंस को चेंज कर लेंगे। कैसे? 1/x की जगह रख लेते हैं a, सो 1/2 × a प्लस 1/3 × b = 2 एंड 1/3 × a प्लस 1/2 × y = 13/6। तो इस तरह से हमने देखा कि अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये न्यूमरेटर में भी हैं एंड इनकी जो डिग्री है वो 1-1 भी है। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। यहाँ पर हम इनको सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। अगर एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा 3a + 2b = 2, दैट मीन्स 3a + 2b = 12। तो ये हमें एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म दिख रही है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे 3 × 2 = 6 एलसीएम आएगा। यहाँ पर 2a + 3b = 13/6 एंड ये दोनों कैंसिल, तो 2a + 3b = 13। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हमें दी गई थी वो a एंड b न्यू वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने चेंज की, तो लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इनको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करना इजी है एंड a एंड b की हेल्प से यहाँ से हम x एंड y की वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो a एंड b में से किसी एक का भी हमें कोफिशिएंट सेम करना होगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा? न्यू इक्वेशंस तैयार होंगी, 6a + 4b = 24 एंड 6a + 9b = 39। ये न्यू इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। लेट 3 एंड 4 इनको नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। तो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 4 - 9 से -5b
एंड 24 माइनस 39 से माइनस 15, सो बी की वैल्यू आई 3। ओके, अब बी की वैल्यू को अगर हम यहां किसी भी इक्वेशन में रख दें तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। सो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12 हमारे पास है, 3a इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 2। ये a एंड b दोनों की वैल्यूज मिली। अब a एंड b की हेल्प से हमें x एंड y कैसे मिलेंगे? a है 2, तो a हमने किसको माना था? 1 अपॉन x को, तो ये मिला हमें 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। x यहाँ पर ले जाए, 2 यहाँ पर ले आए, तो x की वैल्यू बन गई 1 अपॉन 2। b हमें मिला 3, तो ये हमने माना था 1 अपॉन y को, ये मिला है 3, दैट मींस y कितना मिला? 1 अपॉन 3। तो ये x एंड y की हमें वैल्यूज मिली, दैट मींस हमारी इक्वेशंस थी x एंड y में और वो ही हमें आंसर में चाहिए था, तो हमने आंसर को भी a एंड b में नहीं छोड़ना है, इनको चेंज करना है x एंड y में, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरह से इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिनमें जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर नहीं है, लेकिन ऐसी इस टाइप की इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बनाया जा सकता है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, एंड न्यू वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें दो न्यू इक्वेशंस मिलती हैं, एंड उनको सॉल्व करने से दो न्यू वैल्यूज मिलती हैं, जिनसे हमें x एंड y जो अपने मेन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज मिल जाती है। ओके, इसी तरह से हम सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ओके।